वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ढेर सारे सोल्यूशन, जिसमें हम बना लेंगे एक होम रेमेडी जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाए रख सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रुको, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने होम रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया एक टमाटर, और उस टमाटर को हम अच्छे से घिस लेंगे, यानी कि ग्रेट कर लेंगे। एकदम घिस लेने के बाद हमें इस टमाटर का, यानी कि इस टोमेटो का अच्छी तरह से जूस निकाल देना है। तो चाय की छन्नी में हम इसे ऐसे प्रेस कर करके चम्मच की हेल्प से इसका जूस निकाल देंगे, या फिर आप कोई भी कॉटन का रुमाल यूज़ कर सकते हैं टमाटर का जूस निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जूस इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आटा जो कि चावल का है। हमें गेहूँ के आटे नहीं लेने, हमें चावल का ही आटा लेना है। उसके बाद लेना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो बेसिकली इस होम रेमेडी को बनाने में हमने तीन चीज़ें यूज़ की थी, तो अब हमारी होम रेमेडी अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। ये होम रेमेडी हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग के साथ साथ ग्लोइंग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब इस होम रेमेडी को चलो अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। हमने तीनों ही इन्ग्रीडियंट्स को मिक्सअप कर लिया है, जैसे हमने यूज़ किया था यहाँ पर चावल का आटा, टमाटर का रस और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करके हमने एकदम क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी वाला एक फेस पैक बना लिया है, जिसे मैं अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। ये वाला फेस पैक आपको वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वन टाइम यूज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसे हमें अपने पूरे फेस पर लगा लेना है इस होम रेमेडी की हेल्प से, यानी कि इस फेस पैक की हेल्प से। हमारे लिप्स के एरिया में जो पिगमेंटेशन है, या आपके होंठ काले हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली होम रेमेडी। आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव कर देगी, क्योंकि इसमें हमने टोमेटो का जूस ऐड कर दिया है और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम को होने नहीं देता है। टमाटर का जूस हमारे स्किन को एकदम ब्राइटनिंग बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और चावल का आटा हमारे फेस पर एज अ स्क्रबर काम करता है, जो जमी हुई धूल मिट्टी प्रदूषण को हमारे चेहरे से निकाल फेंकता है। तो यहाँ पर मैंने सारी होम रेमेडी जो बनाई थी, यानी कि जो फेस पैक बनाया था, उसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। 5 मिनट तक लगातार हमें जल्दी जल्दी से मसाज करना है, लेकिन हाँ, हल्के हाथों से, अपने लिप्स वाले पोर्शन में भी अच्छे से हल्के हल्के फिंगर्स की हेल्प से मसाज देना है, ताकि काले पड़े हुए होंठ भी एकदम नरम, मुलायम और गुलाबी गुलाबी से हो जाए। तो ये वाली होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे बनाना भी और इसे अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएगी। तो जैसे ही फेस पैक लगाकर कंप्लीट हो जाए, तो इसे सूखने के लिए 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। जब फेस पैक सूख जाए तो वॉश कर लें नॉर्मल पानी से। देखते हैं कि आफ्टर वॉशिंग फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन, क्लियर और एकदम ग्लोइंग सा लग रहा है, ब्राइटनेस आ जाता है चेहरे पर सिर्फ वन टाइम यूज़ में। अपने स्किन पर आए हुए डार्क सर्कल्स को भी हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। फेस पर ढेर सारे अनवांटेड हेयर्स हैं, तो उन्हें भी ये वाला फेस पैक एकदम गायब कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरा स्किन कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। बाय।